अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। अभी मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेरा सोना जान। व्यूअर्स, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लगे या ना लगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। वीडियोस बनाने का मकसद आपके साथ जुड़े रहना और अपने दिल की बात आप तक पहुंचाना, ताकि आप अपना कमेंट में इजहार कर सकें, राय दे सकें, इससे कोई अच्छा पॉइंट। तो यह चैनल बिलखसूस गरीब लोगों और मिडिल क्लास लोगों के लिए, उनके बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, और जो टेक्निकल लोग हैं जिनके पास हुनर है लेकिन पैसे नहीं हैं, उन लोगों की खिदमत के लिए इंशाल्लाह ये चैनल काम कर रहा है। और लोग कहते हैं कि आपका चैनल बहुत स्लो है, व्यूज़ नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो हमने एक स्कूल में के कहानी पढ़ी थी कछुए और खरगोश की, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, इससे बेहतर है कि मैं रोक दूँ। ये बेहतर नहीं है कि मैं रोक दूँ, बेहतर ये है कि मैं जारी रखूँ भले इसे एक ही सब्सक्राइबर आ रहा हूँ। परसों मेरा एक सब्सक्राइबर आया, कल एक सब्सक्राइबर आया, चलो कुछ आया गया नहीं, मतलब शॉप ओपन रखें, कस्टमर आएंगे, एक आएगा दो आएंगे और इंशाल्लाह धीरे धीरे ये बढ़ते जाएंगे और एक दिन देखेंगे कि इंशाल्लाह मेरे चैनल पर कस्टमर की भीड़ होगी। कस्टमर मतलब मेरे व्यूअर्स, मेरे दोस्त, मेरे भाई। व्यूअर्स, अपनी मोहब्बत का इजहार हर कोई करता है, कोई हर आदमी का अपना तरीका होता है। इंडिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के ऊपर जो कीचड़ उछाला गया, उस पर बहसियत मुसलमान हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। और जज्बात तो बहुत बड़े हैं लेकिन वहाँ तक पहुँचना ये अल्लाह की मदद के बगैर मुश्किल नहीं, मुश्किल है। तो एहतजाज हम कर सकते हैं, जो कि हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी हो रहा है, यूट्यूब पे भी हो रहा है, हर जगह से हो रहा है। जितने भी मुसलमान कंट्री हैं सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है और जो हमारा हक बनता है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक़्त तक तुम मुसलमान नहीं हो सकते जब तक मेरी अजमत तुमको तुम्हारी औलाद, माल और जान से अजीज़ ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए हमारा तन मन धन, हमारा जो कुछ है आप पर कुर्बान, उनसे बढ़कर हमारे पास कुछ नहीं है। अगर ये नहीं है तो हमारा ईमान कमज़ोर है, अगर ये है तो हमसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी और ये जो कुफ्फार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गलीज बकवास करते हैं इंशाल्लाह ये नेस्तो नबूद होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे और कमेंट में अपना इजहार करें। आप भाइयों के तामन का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पहिंदा बनो। वसलम।